ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। देशभर में चर्चित हुए बागेश्वर धाम के पाटीदीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शालिग्राम को कोर्ट में पेश किया गया है, उस पर दलित परिवार को बंदूक की नोक पर धमकाने और मारपीट करने का आरोप था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद 9 दिन पूर्व पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। बता दें कि गड़ा गांव में 11 फरवरी को अरिहरवार समाज के परिवार में बेटी की शादी हो रही थी। परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बाद में निजी कार्यक्रम करने का फैसला लिया। शादी की बात पता चलते ही रात करीब 12 बजे धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शागिल राम साथियों के साथ नशे की हालत में शादी समारोह स्थल पर पहुंच गया। उसने लोकगीत बजाए जाने का विरोध करते हुए उत्पात मचाया, साथ ही लड़की के परिजनों के साथ मारपीट और फायरिंग करके लोगों को धमकाया। इस मामले में अब पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अगले ही पल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को 25,000 के मुचकले पर जमानत मिल गई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।